गाइस बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चंबल नदी के पास एक पुराना पुल था जो कि चंबल नदी में लुप्त हो गया। देख पा रहे हैं हम खड़े हैं जीटी रोड के बीचों बीच में चंबल नदी के जो नया वाला पुल है उस पर, और जो चंबल नदी है वो नए पुल के बिल्कुल बहुत ही नज़दीक से बह रही है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ वो नज़ारे जो कि आपने शायद ही कभी पहले देखे होंगे इस चंबल नदी के। तो आप यहाँ देख रहे हो कितनी सारी भीड़ है जो यहाँ इकट्ठा हो चुकी है। आगे की तरफ ले जाऊँगा जहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि कितनी ज़्यादा पब्लिक यहाँ पर इकट्ठा हो चुकी है। और सरकार ने एक बाईपास रोड बनाने की अनुमति भी दे दी है जिसकी सर्वे अभी जल्दी होने वाली है, और यहाँ आगरा से ग्वालियर तक एक बाईपास रोड बन रहा है। 8 लेन का रोड बनेगा जो कि जो यमुना एक्सप्रेसवे है उससे उसको जोड़ दिया जाएगा। तो अभी आप यहाँ देख सकते हो कितनी सारी जो भीड़ है, लोग बाग हैं यहाँ पे, वो इकट्ठा हुए हैं इस चंबल नदी के बहाव को देखने के लिए। हमारा जो ड्रोन है वो बिल्कुल जो केंद्र है इस पुल का, और आप देख पा रहे हो यहाँ चंबल नदी का बहाव कितना ज़्यादा है। और हम अभी ड्रोन को चंबल नदी के बीचों बीच लेके आ गए हैं और हमने रोड क्रॉस कर लिया है। और ये देखिए, ये जो बड़ी सी टंकी आप देख पा रहे हैं ये है वाटर वर्क्स का लिफ्ट है, जहाँ से कि जो पानी है वो लिफ्ट किया जाता है धौलपुर और भरतपुर के लिए, यहाँ से सप्लाई होती है। और अब मैं जो ड्रोन है उसको ठीक उसके पास ले जाऊँगा ताकि मैं आपको वो चीज़ दिखा पाऊँ जो कि मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको। जो पुराना वाला पुल है वहाँ पर बनने वाली जो लहरें हैं बड़ी खूबसूरत, यहाँ से वो लहरें मुझे दिखाई दे रही हैं। देखिए अब शायद आप भी देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ। ये देखिए बिल्कुल ऐसा नज़ारा है जैसे कि समुद्र तट पे हम लोग खड़े हों, बिल्कुल उस तरह से लहरें यहाँ पर बन रही हैं। ये देखिए, और मुझे खुद डर लग रहा है कि कहीं हमारा जो ड्रोन है वहाँ तक ये लहरें तो नहीं पहुँच जाएंगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि शायद ही पहले कभी आपने इस तरह से चंबल नदी की इन खूबसूरत लहरों को देखा होगा। गाइस आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसे ही न्यू वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।